यहाँ कब से हो धरना प्रदर्शन और क्यों कर रहे हैं? आज 44 दिन हो गए हैं जी हम हमारे बच्चों के ये शिक्षा के बाबत है, जो ट्रांस पॉलिसी चलाई थी टीचर वाली, उसमें हमारे टीचर पहले मर्ज की लिस्ट में था ना, मर्ज की लिस्ट से हमने संघर्ष जीत लिया जी। अब हमारे टीचरों की कमी है, स्कूल के अंदर 2 ही टीचर है बच्चों के लिए, टीचरों के लिए बैठे हैं, 4 टीचर और चाहिए हमारे को। कितनी बच्ची हैं? 126 बच्चियों पर 126 बच्ची। हाँ जी। अब शिक्षकों की कमी मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम बहुत बड़े जनघोष आंदोलन की तैयारी करेंगे कि अगर हमारी बनना कुछ ऐसा बनना चाहते हैं कि आगे देश के भी काम आ सकूं और गांव का नाम रोशन कर सकूं। और यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई के लिए क्या उन्होंने कुछ किया है यहाँ के लिए? आप लोगों ने उनसे कुछ मांग की? उनसे काफ़ी 44 दिन हो गए, शुरू से उनसे ही मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी पूरी कर दो, लेकिन वो ना ही तो हमारी मांग पूरी कर रहे हैं और ना ही हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। क्या चाहते हम? यही चाहते हैं कि वो अगर मांग पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे दुख सुख में तो शामिल हो सकते हैं। चुनाव में आप किसका साथ? चुनाव में एक ऐसी पार्टी का साथ देंगे जो हमारी मांगों को पूरी कर सके, हमारा दुख सुख में शामिल हो सके। दोनों में से किसका साथ? दोनों में से देखते हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा उन्हीं को देंगे। बिश्नोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं दिव्या पांडे, आप देख रहे हैं हरियाणा आज। जहां सरकार एक तरफ मिसाल देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो वहीं खैरमपुर गांव, आदमपुर के खैरमपुर गांव में एक ऐसा स्कूल भी है जहां पे बच्चियां तो हैं, स्कूल भी है पर टीचर नहीं है। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी एक बच्ची से। आपका नाम क्या है? अरुण कुमार है जी। आप यहाँ कब से हो धरना प्रदर्शन पे और क्यों कर रहे हो? आज 44 दिन हो गए हैं जी हम हमारे बच्चों के ये शिक्षा के बाबत है, जो ट्रांस पॉलिसी चलाई थी टीचर वाली, उसमें हमारे टीचर पहले तो मर्ज की लिस्ट में था ना, मर्ज की लिस्ट से हमने संघर्ष जीत लिया जी। अब हमारे टीचरों की कमी है, स्कूल के अंदर 2 ही टीचर है बच्चों के लिए, 6 से 8 तक 10 तक टीचरों के लिए बैठे हैं, 4 टीच्चर और चाहिए हमारे को। कितनी बच्ची हैं? 126 बच्चियों पर 2। 126 बच्चे पे 2? हाँ जी जी। 2 फिर आप लोग का क्या हो रहा है इस पे आगे? हम सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार की आंखें बंद है, सरकार हमारी सुनाई अभी तक नहीं की है। आज 44वां दिन है जी हमारे को, जो आंदोलन करना वो हर तरह से कर रहे हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लंबा आंदोलन करने की संभावना है और सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त लड़ने की है। देखो जी, स्कूल के अंदर शिक्षक नहीं है, हम शिक्षकों के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 44 दिन हो गए यहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए। हमने मर्ज लिस्ट से तो नाम निकलवा लिया, हमने संघर्ष किया, हमारी जीत हुई और हम अब शिक्षकों की कमी मांग कर रहे हैं, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम बहुत बड़े जनघोष आंदोलन की तैयारी करेंगे कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, ब्लॉक स्टेट में ब्लॉक में हर जगह धरना प्रदर्शन करके हमारी मांगें पूरी करवाएंगे। कौन सी क्लास में? 10th। कुछ ऐसा बनना चाहते हैं कि आगे देश के भी काम आ सकूँ और गाँव का नाम रोशन कर सकूँ। और यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई के लिए क्या कहोगे? उन्होंने कुछ किया है यहाँ के लिए? आप लोगों ने उनसे कुछ मांग की? उनसे काफ़ी 44 दिन हो गए, शुरू से उनसे ही मांग कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी पूरी कर दो, लेकिन वो ना ही तो हमारी मांग पूरी कर रहे हैं और ना ही हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि वो अगर मांग पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारे दुख सुख में तो शामिल हो सकते हैं। चुनाव में आप किसका साथ? चुनाव में एक ऐसी पार्टी का साथ देंगे जो हमारी मांगों को पूरी कर सके, हमारा दुख सुख में शामिल हो सके। ऐसी कौन सी पार्टी है? अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी 2 आई है जो हमारे साथ काफ़ी देर रही है। अब दोनों? हाँ, दोनों में से किसका साथ? दोनों में से देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा उन्हीं को देंगे। कुलदीप बिश्नोई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो धरना आप इतने दिन से कर रहे हो, उसका कुछ प्रभाव पड़ा है? प्रभाव तो यही पड़े, आज बीजेपी सरकार हार रही है, हम हरा रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी लोगों गांव वालों की आवाज़ है, बीजेपी सरकार के अभी तक कोई नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं आया, इससे हमारे गांव के बीच इतना आक्रोश है कि गांव वाले बिल्कुल खिलाफ है, आप गांव के अंदर घुसने ही नहीं दे रहे हैं, इतना है जी। तो बीजेपी को हरा के क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी?
बीजेपी सरकार सत्ता से हट जाएगी तो हो सकता है अच्छी सरकार आ जाए, हमारी बच्चों की पुकार सुन ले, हमारी पुकार सुन ले, किसानों की है, शिक्षा बाबत है, और आज गऊ है लोपिंग माता, गऊ माता मर रही है बीमारी से, हर तरह की परेशानी हो रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं सारे जी। अरे ये सड़क से हमारा पेंडा छूट जाएगा, हम घर पर अपना काम काज कर सकेंगे और अपना भविष्य बना सकेंगे जी। तो कौन सी सरकार ला रहे हो, किसको जिता रहे हो? सरकार तो जी मैं धरना पर बैठा हूँ, भाईचारा है गांव का, हम सब में शामिल है लोग, एक सरकार का हम नाम नहीं लेके कह रहे हैं, पर हम बीजेपी सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं जी। ये बीजेपी सरकार नहीं सत्ता में आनी चाहिए, जो सरकार अच्छी है लोग चुनो अपना, जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, किसान के क्षेत्र से हैं, गाँव के विकास को नाम लेके जो काम काज के लिए संकल्प कर रही है उसी सरकार को चुनना चाहिए जी। गाँव में कितना वोट है? 3500 वोट है जी। कितना पड़ेगा? एक तरफा ही है जी, एक किसको? बीजेपी सरकार के खिलाफ है, नाम नहीं ले सकते, हमारे सभी साथी है। हाँ, नोटों पर जो शिक्षित व्यक्ति अच्छा है, जो देख रहे हैं भ्रष्ट है अभी सरकार कोई हो जी, भ्रष्टाचार तो हो रहा है भारत के अंदर, अगर भ्रष्टाचार मुक्त होती है सरकार तो हम एक ही सरकार को हर बार चुनते हैं, पर ये बीजेपी सरकार रामराज नाम से लेके आई थी भाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाऊंगी, शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की कराऊंगी, गरीबों को उज्ज्वल भविष्य बनाऊंगी, आज गरीब लोग देखो जी, किसान देखो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो, सब लोग सड़क पे बैठे हैं, आज पशुओं तक हाल ही है जी, यही रोड पे आने का काम हो रहा है। बाकी पार्टियां क्या क्या आपसे कह रही हैं, क्या क्या वादे कर रही हैं? बाकी पार्टी तो देखो जी बहुत कुछ वादे कर रही है, अभी देख रहे हैं हम कांग्रेस के पीछे बताता हूँ, कांग्रेस के राज में हमारे गाँव में काफ़ी विकास हुआ है, कांग्रेस के राज में हुड्डा सरकार ने मान लो जी आम पब्लिक का काम नहीं किया, जनहित के लिए मान लो सार्वजनिक काम तो अच्छे कर रखे हैं उन्होंने, सड़कें लियो, वाटर वर्क्स के बारे में लियो, जो स्कूल के बाबत लियो, हर तरह मान लियो, शौचालय की सुविधा है गाँव के अंदर, गरीब लोगों को प्लाट दिया है रहने के लिए, जगह दी है, पर इस सरकार ने आज तक मान लियो जी इसने कुछ ही नहीं दिया है। तो इससे पहले तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में ही थे, तब उन्होंने कुछ नहीं किया? कुलदीप बिश्नोई जी तो हमारे ये पूजा से पूछ लियो, ये सारी बात बता दे जी, कुलदीप बिश्नोई बाबत मैं तो खुद यही कह रहा हूँ जी, यहाँ सब बैठे हैं, कई लोग कुलदीप बिश्नोई जी का विरोध करते हैं तो उसके बिश्नोई समाज से होते हुए वे लोग थोड़ा मन में गुस्सा करते हैं भी, हमारे समाज के प्रति हमारे नेता को कुछ कह रहे हैं, इसलिए कुछ नुमाइंदे हमारे को उनकी बातें में दिक्कत आती है जी। ठीक है, तो ये आपने देखा खैरमपुर गांव के लोगों का क्रोध जो कुलदीप बिश्नोई को लेकर है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं दिव्या पांडे।